हेलो सप्लीमेंट्स वाला फैमिली। तो आज मैं जा रहा हूँ कहाँ, दिल्ली। और पता है मैं कितने दिनों बाद दिल्ली आउटलेट पर जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 महीने बाद। जी हाँ, 2 महीने हो गए मुझे दिल्ली आउटलेट पर गए हुए। तो आज बुधवार है, कल मैंने वीडियो बना दी थी। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली और काफ़ी सारे भाइयों की कॉल आ चुकी है कि भैया कब तक आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटिंग में है दिल्ली वाले कि भैया लगता है दिल्ली वाला आउटलेट तो मतलब आपने मतलब विजिट करना बंद ही कर दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं है यार, क्योंकि आउटलेट्स ओपन होते रहते हैं, तो इसलिए मुझे अलग अलग जगह जाना पड़ता है। और मेरी तबीयत भी आप देख रहे हैं अब आज कितनी ख़राब है, मेरी तबीयत आज बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल गला बैठा हुआ है मेरा। पर उसके बाद भी, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया दिल्ली वालों से, तो मैं जाऊंगा दिल्ली। और दिल्ली वालों के लिए गर्मा गर्म रबड़ी, ये सबसे बड़ी बात है कि आज जो रबड़ी मिली है बिल्कुल ताज़ा वाली, बिल्कुल फ्रेश रबड़ी मैं लेके जा रहा हूँ, बनवा के लेके जा रहा हूँ यहाँ से। और 10 किलो रबड़ी मैं कम से कम लेके जा रहा हूँ, वरना नॉर्मली मैं जो है 6-7 किलो लेके जाता हूँ, तो वो सफिशियंट रह जाती है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जा रहा हूँ, तो बहुत सारे भाई तो कह रहे थे भैया हम तो स्पेशल आएंगे रबड़ी खाने के लिए। मैं भाई मोस्ट वेलकम है। तो चलिए चलते हैं दिल्ली, कालका जी आउटलेट सप्लीमेंट्स वाला। तो दोस्तों अब हम जो है दिल्ली पहुंचने वाले हैं और मेरे पास कॉल आ रही है बहुत ज़्यादा कि वहाँ पर मतलब बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं। तो मैं आज मतलब जो है मेरा गला ख़राब है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया था, क्योंकि पहले मैं दवाई लेके आया हूँ। दवाई लेने के बाद में अब मैं जो है जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बदरपुर पहुँच चुके हैं और यहाँ से ऑलमोस्ट जो है 7-8 किलोमीटर और दूर रह गया है। तो चलते हैं, देखते हैं। सारे भाइयों का मैं दिल से वेलकम है और गर्मा गर्म रबड़ी तो मैं ले ही आया हूँ। तो चलिए सप्लीमेंट्स मिला कालका जी। और मैं बताना चाहूँगा, मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ, क्योंकि आप स्टिल कमेंट करते हैं कि भैया ये जितने भी जो आउटलेट्स हैं, जितने भी ओपन हो रहे हैं, क्या आपके अपने आउटलेट्स हैं या फिर फ्रेंचाइजी बेस है? तो दोस्तों ये आपके अपने आउटलेट्स हैं, फ्रेंचाइजी बेस नहीं है, इसमें कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। तो क्योंकि सेहत का सवाल है यहाँ पर, किसी की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ कभी भी नहीं होने दूंगा मैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है ऑयनल्टी और आपका विश्वास बनाए रखना मेरे लिए प्रायोरिटी है। वरना फ्रेंचाइजी बेस की अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों आपको ही पता है कि यार मतलब आप कहते हैं ना कि अब महीने में एक आध आउटलेट ही क्यों डलता है, वो इसलिए डलता है क्योंकि ये आपके अपने आउटलेट्स होते हैं, फ्रेंचाइजी बेस नहीं होता है। वरना फ्रेंचाइजी बेस में तो आपको पता है कि यार महीने में 100 आउटलेट भी कम है। तो इस चीज़ को समझें आप, क्योंकि मुझे जो है सेहत का ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं हम अपने आपके आउटलेट पर सप्लीमेंट्स मिला दिल्ली कालका जी। और मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली में एक और आउटलेट होना चाहिए, वो किस जगह होना चाहिए वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि दिल्ली में एक आउटलेट अगर और डालना है तो कहाँ पर डालना है। क्योंकि भैया सब कहते हैं कि भैया इतनी बड़ी दिल्ली है, कम से कम 2-3 आउटलेट तो होने चाहिए। तो ठीक है, एक आउटलेट और डालते हैं दिल्ली में, बताइए आप कहाँ डालना है वो। तो दोस्तों अब आ गए हम दिल्ली आउटलेट कालका जी, और ये अपनी शॉप सप्लीमेंट्स वाला दिल्ली। ये देशबंधु कॉलेज रोड और नेहरू एंक्ले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 से ये वाला रोड आ रहा है पीछे आपके, देख रहे हैं आप, ये रोड आ रहा है इधर की दिल्ली कालका जी की तरफ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when. तो दोस्तों ये हो चुका दिल्ली विजिट। आज देख रहे हैं आप कितने सारे भाई आए थे, बहुत भाई आए, और सब मुझे मतलब अच्छी बात ये रही कि सबको जो है रबड़ी की किसी को कमी नहीं, ठोकम ठाक सबको भाइयों को रबड़ी खिलाई, मुझे भी बहुत मजा आया। तो दोस्तों आप भी जुड़े सप्लीमेंट्स वाला के साथ। अब हम चलते हैं वापस अपने पलवल CNG वाली अर्टिगा में, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी फिर से कि सप्लीमेंट लेंगे तो ओरिजिनल लेंगे, और सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला से लेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्स वाला ही है दी बेस्ट ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए। तो जुड़े और कालका जी विजिट करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि दिल्ली में एक और आउटलेट खुलना चाहिए और कहां खुलना चाहिए। तो जुड़ना है आपको सप्लीमेंट्स वाला परिवार के साथ। अगले आउटलेट की ओपनिंग होगी अलीगढ़, जल्दी मैं डेट अनाउंस करूंगा। और दिल्ली NCR और जयपुर में सेम डे डिलीवरी भी अवेलेबल है। नमस्कार।